कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. अब जरा सोचिए, किसी बॉल को इस कंडीशन में यदि एच हाइट से गिराया जाए तो क्या होता है. हमने यह बात ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझी है कि बॉल ऐसे गिरती है, ऐसे उछलती है, कुछ हाइट तक उछलती है, फिर वापस, और फिर कुछ हाइट तक उछलती है और फिर वापस, और इस तरह से कुछ कोलिजन करते करते वह अल्टीमेटली. अब मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वंस अगेन बॉल को तो गिरा रहे हैं, मगर यह गिरती हुई बॉल को हमने इस तरह से घुमा दिया. यह बॉल को गिराते समय इस तरह से घुमा दिया. घूमती हुई यह बॉल इस तरह से जमीन से आके टकराएगी और टकराने के बाद बिल्कुल वर्टिकली रिबाउंड होने के बजाय यह इस तरह से रिबाउंड होगी और कहीं इधर जाकर गिरेगी. टकराने के बाद यह बॉल इस तरह से रिबाउंड होगी और इस जगह पर जाकर गिरेगी. पहली बार टकराने के बाद एच हाइट से गिराई गई बॉल वह हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ आर की दूरी पर जाकर गिरेगी. एच हाइट से गिराई गई बॉल कुछ आर की दूरी पर जाकर गिरेगी. आपको मुझे बताना है व्हाट वुड बी दिस रेंज आर इन टर्म्स ऑफ एच. हाइट एच से गिराने पर कितनी दूरी आर पर जाकर यह बॉल गिरेगी. इस प्रॉब्लम को करने से हमें समझ में आएगा हाउ डू द बॉल स्पिन. मैंने आपको कोलिजन समझाते समय सबसे पहले क्रिकेट का एक कंसेप्ट बताया था, पिंच हिटर. हम पिंच हिटर किसे कहते हैं यह समझाया था. मैंने यह बताया था कि जो बैट्समैन हैवी बैट इस्तेमाल करे एंड इफ यू हैव गॉट ह्यूज मसल्स, मसल मसल्स, स्ट्रांग मसल्स एंड इफ ही कैन मिडल द बॉल, सच अ बैट्समैन वुड बी कॉल्ड अ पिंच हिटर. वह बैट्समैन जो अपनी निगाहें पूरी तरह से सिर्फ बॉल पर रखता है, बॉल से हटाता नहीं है. वह बैट्समैन हैवी बैट इस्तेमाल करता है और उस बॉल को बैट के साथ मिडिल पर ले लेता है और बैट को पूरे स्विंग के साथ में घुमाता है, पूरी ताकत से उसको हिट करता है तो पिंच हिटर हो जाता है. ऐसी स्थिति में वह बॉल इतनी दूरी पर जाती है और इतना तेज वेलोसिटी से जाती है कि वो जनरली बाउंड्रीज के साथ ही अपने रन को आगे बढ़ाता है. अब इधर इस प्रॉब्लम में मैं समझा रहा हूं कि एक बॉलर बॉल को स्पिन कैसे करता है. स्पिनर बॉल की वेलोसिटी, बॉल को कोई वेलोसिटी नहीं देता. वो बॉल को कुछ इस तरह से फेंकता है कि बॉल जिस डायरेक्शन में आपको जाती हुई दिख रही है, टकराने के बाद वो उस डायरेक्शन में जाने के बजाय या तो ऑफ साइड में टर्न हो जाती है
या लेग साइड में, यदि वह बॉल जमीन से टकराने के बाद ऑफ साइड में टर्न हो गई तो वह ऑफ स्पिन कहलाने लगती है, और यदि वह जमीन से टकराने के बाद लेग साइड में टर्न हो गई तो वह लेग स्पिन कहलाने लगती है। तो यह बॉल स्पिन कैसे होती है? पहले तो बॉल को स्पिन कराने के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम अच्छी तरह रिकॉल कर ले। जनरली स्पिनर कभी भी पहले 5 या 10 ओवर में बॉलिंग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले 5 या 10 ओवर में बॉल स्पिन होती ही नहीं है, प्रॉपरली स्पिन नहीं होती। बॉल के स्पिन होने के लिए जरूरी है उस बॉल का थोड़ा सा नरम होना, थोड़ा सा उसमें एक लोच आना, हल्का सा उसमें दबाव आना, और वह तब आता है जब उस बॉल को पहले 5 से 10 ओवर फास्ट बॉलर ने फास्ट बॉल कर करके उसको जमीन से बार बार ठोक ठोक कर, और बैट्समैन ने उसको बार बार बैट से हिट कर करके उसको हल्का सा नरम कर दिया, उसको हल्का सा सॉफ्ट कर दिया, उस बॉल में हल्का सा दबाव आने लगना चाहिए। पहले 5-10 ओवर में स्पिनर को बॉलिंग नहीं कराई जाती है, क्योंकि स्पिनर उसमें अपना जादू कर ही नहीं सकता। फिर 5-10 ओवर जब वो बॉल हल्की सी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो वो बॉल स्पिन होने लगती है। अब स्पिन होने के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुथैया मुरलीधरन ही इज द किंग ऑफ स्पिनर, मतलब शहंशाह है वो। इट्स जस्ट बिकॉज कि उसका हाथ टेढ़ा है, जैसे वो लगान मूवी में कचरा का हाथ टेढ़ा था, उस टेढ़े हाथ की वजह से वो किसी चीज को नॉर्मली भी जब फेंकता है तो फेंकते समय उसका हाथ इस तरह से घूम जाता है या इस तरह से घूम जाता है, क्योंकि वह हाथ टेढ़ा है, उसकी यह कमजोरी है, वही कमजोरी उसके लिए ताकत बन जाती है कि वो जब किसी चीज को फेंकता है तो फेंकते समय उसका हाथ ऐसे घूमने लगता है, और जब उसका हाथ ऐसे घूमने लगता है तो फेंकी गई चीज भी इस तरह से घूमती ही आगे जाती है। उसे घूमती ही आगे जाती है वो, तो जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करती हुई दिख रही है, जमीन से टकराने के बाद उसकी दिशा एकदम से बदल जाती है, और उसी को हम स्पिन बोलते हैं। वही स्पिन कैसे होती है वह इस प्रॉब्लम के द्वारा हम देख रहे हैं। देखिए, बॉल को यदि बिल्कुल सीधे ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए तो वह बॉल गिरेगी और ऐसी की ऐसी उछलेगी। हम यही चीज सोच रहे थे कि वो बॉल गिरेगी और ऐसी कैसी उछलेगी, मगर बिल्कुल ऐसे कैसे ड्रॉप करने के बजाय इस बॉल को ड्रॉप करते समय ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे रोटेट कर दिया जाए। अब ये रोटेट करती हुई बॉल एच हाइट से गिरेगी, जमीन से टकराएगी, और जमीन से टकराने के बाद वो बिल्कुल वर्टिकली रिबाउंड होने के बजाय वो इस तरीके से रिबाउंड हो जाएगी और कुछ आर की दूरी पर जाकर गिरेगी। ये आर कैलकुलेट करना है और फिर सोचना है कि बॉल ऑफ स्पिन कैसे होगी और लेग स्पिन कैसे होगी। इसी समय 4 से 5 मिनट में आपको सोचने के लिए देता हूं कि ये आर कैसे निकाला जाए, फिर मैं समझाना चालू करूंगा। चलिए इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। In fact, in this problem, you will learn how to deal with thrust and impulse. In the problem, we'll come across with the concept of thrust and impulse. Let me recall the definition of thrust. It's finite force acting for short time interval. Thrust is finite force acting for short time interval. मुझे यह definition thrust की recall करना चाहिए। In fact, ball पर horizontal surface के द्वारा, जमीन के द्वारा finite force लग रहा है,
मगर वह फाइनाइट फोर्स कोई कॉन्स्टेंटली नहीं लग रहा है, एक बहुत छोटे से समय के लिए लग रहा है, सिर्फ उतने से समय के लिए लग रहा है जब तक कि वह बॉल जमीन के साथ संपर्क में है। बॉल का जमीन के साथ में जो कॉन्टैक्ट है दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और इस छोटे से समय में जमीन के द्वारा दो फोर्स लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों ही फोर्स फाइनाइट है और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लग रही है, विल कॉल देम थ्रस्ट। जमीन बॉल के ऊपर एक वर्टिकल थ्रस्ट लगा रही है और एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगा रही है। नाउ व्हाट इज इंपल्स? लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू थ्रस्ट इज इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू थ्रस्ट इज इंपल्स। थ्रस्ट की वजह से पार्टिकल में जो भी कुछ मोमेंटम में परिवर्तन आता है उसी को हम इंपल्स कहते हैं। हमने यह बात लिखी थी F external is dP by dt, फिर F external dt is equal to dP, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट करा था, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके dP के इंटीग्रेशन को P कहा था, that is PI to PF, और this is PF माइनस PI एंड दिस चेंज इन मोमेंटम, और इसी को इंपल्स कहा। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू थ्रस्ट, इट्स F एक्सटर्नल dt। This is impulse. अब चलिए हम कुछ बातें अब समझते हैं। ये तो वह थ्योरी है जो इधर अप्लाई होगी। जब यह बॉल हाइट h से गिराई गई और यह बॉल नीचे गिरी, नीचे गिरते समय टकराने से पहले बिफोर कोलिजन बॉडी की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vy एंड दिस वुड बी अंडर रूट 2gh, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स वुड बी जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स वुड बी जीरो और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एक्स। ये हमने ऑलरेडी डिटरमाइन करना सीखा था, ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। अब आफ्टर कोलिजन मैं सिचुएशन लिखता हूं। After collision, collision के बाद जब यह body rebound होगी तो coefficient of restitution E दे रखा है। Coefficient of restitution कभी भी horizontal component of velocity पर तो लगाया नहीं जाएगा, वो तो normal component of velocity पर लगाया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम लिख देते हैं आफ्टर कोलिजन वी वाई डैश वुड बी ई वी वाई और ई अंडर रूट टू जी एच। यह आफ्टर कोलिजन कंसेप्ट वही है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वुड बी
velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. So Vy dash, this implies that Vy dash is E Vy, वही चीज लिखी है. और Vy की जगह पर यह velocity after collision, यह velocity होगी vertical direction. और horizontal direction में Vx dash, it would be finite, but we can't write it immediately. It would be finite, but we can't write it immediately. उसको एकदम से हम नहीं बता सकते, उसे हमें determine करना होगा आगे के concept apply करके. अब before collision, इस situation को देख लो. After collision, इस situation को देख लो. अब collision के दौरान क्या हो रहा है, मैं इसे साफ कर देता हूं. I really need the board heavily, इसलिए मैं unnecessary चीजें board पर लिखी नहीं रहने दे सकता. आप इस चीज को तो ऐसे कैसे देख लीजिए, क्योंकि मैं इसे साफ कर रहा हूं. इधर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन की डेफिनेशन लगाई Vy डैश लिखने के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और इसी को रीअरेंज करके लिखा है. इसे साफ कर देता हूं. आई रियली नीड ह्यूज स्पेस इन द बोर्ड. मैं अननेसेसरी चीज कोई सी भी लिखी नहीं रहने दे सकता. अब टकराते समय ड्यूरिंग कोलिजन सिचुएशन को मैं एनालाइज करता हूं. ड्यूरिंग कोलिजन यह बॉल टकरा रही है, टकराते समय यह इस तरह से घूमती जा रही है. घूमती हुई यह बॉल इस पर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा जब यह टकराएगी, तो जब तक यह जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी उस समय के लिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता रहेगा. यह नॉर्मल रिएक्शन की कोई फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी. यह टाइम के साथ वेरी होएगा. ये बहुत छोटे से समय के लिए लगेगा, मगर लगेगा जरूर. टकराते समय एक तो नॉर्मल रिएक्शन, यह हम वर्टिकल थ्रस्ट कहेंगे. वी विल कॉल इट अ वर्टिकल थ्रस्ट. वर्टिकल डायरेक्शन में यह फोर्स है. टकराते समय यह बॉल जब ऐसे घूम रही है, तो घूमती हुई इस बॉल के लिए यह जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यह इस तरफ रिलेटिवली मूव कर रहा है. जमीन इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, इस रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाने लगेगी. चूंकि बॉल ऐसे घूम रही है, घूमती हुई इस बॉल का यह पॉइंट ऐसे ड्रैग हो रहा है, तो उस दौरान जब तक यह बॉल जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, जमीन उसको घूमने से रोकेगी. उसको घूमने से रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाने लगेगी. इट्स बिकॉज कि यह बॉल इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, इस मोशन की वजह से वहां पर यह फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा. और यह फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसलिए क्योंकि बहुत छोटे से समय के लिए यह फोर्स इस डायरेक्शन में है. अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स की इक्वेशन लगाता हूं. इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस, इंपल्स अलोंग वाई एक्सिस. This change in momentum along y-axis, change in momentum along y-axis क्या है, जरा देखें.
m into final velocity along y axis. M into final velocity along y axis. This final momentum minus initial momentum, that is m into initial velocity along y axis, that is minus under root 2 gh. Finally, upar ki taraf velocity, that is positive velocity. Initially, niche ki taraf velocity, that is negative velocity. So, this is integral of n dt. This is impulse along y-axis. Impulse along y-axis, which is integral of n dt, would be m into 1 e plus 1 into under root 2 gh. This is impulse along y-axis. Yaha definition lagaiye, impulse equal to change in momentum equal to f external dt. In vertical direction, impulse along y-axis is final momentum along y-axis minus initial momentum along y-axis is equal to integral of force along y-axis into dt. Mass into velocity. Final velocity upar ki taraf positive. Mass into initial velocity. Initial velocity niche ki taraf matlab negative. This is impulse along y-axis. Ab, impulse along x-axis. In horizontal direction bhi ek impulse lagega. Kyunki horizontal direction mein bhi ek thrust lag raha hai. In horizontal direction. अब इधर मैं एक बात आपको बता दूं, frictional force क्या होता है? It's mu into n. Frictional force हमेशा होता है mu into n. Coefficient of friction mu. अब in horizontal direction impulse along x-axis is mass into final velocity along x-axis, mvx, vx dash, जो हमने इधर लिख रखा है, minus mass into initial velocity along x-axis. This is impulse along x-axis. This is equal to integral of impulse along x-axis. This is equal to change in momentum along x-axis. Impulse along x-axis is change in momentum along x-axis is equal to f externality. F externality is fr dt. Or fr dt ki jagah likh deta hu integral of mu n dt. Mu jo ki ek constant hota hai, ise integral sign se bahar likh sakta hu aur likh sakta hu mu integral of n dt. और अब आप देखिए यह जो इक्वेशन बनी है ix equal to mvx dash, मुझे इस इक्वेशन से mvx dash, vx dash की वैल्यू निकल जाएगी. Mvx dash minus m into 0, that is mvx dash. Mvx dash is equal to fr dt, mu n dt, mu. Integral of n dt ki value humne already likh rakhi hai. Integral of n dt. Hame isse solve karne ki avashyakta nahi thi. Aisi ki aisi hi hai, integral of n dt ki value mein idhar substitute kar dunga. Jitne samay ke liye normal reaction lagega, utne hi samay ke liye friction lagega. Mu और integral of n dt की value इधर से ऐसा कैसे ही substitute कर दी, m into e plus 1 under root 2 gh. इस तरह से मुझे
यह जो वी एक्स डैश था, जो फाइनाइट था, जो मुझे पहले नहीं पता था, वह पता लग चुका है. इट्स ई प्लस वन अंडर रूट म्यू इंटू ई प्लस वन अंडर रूट टू जी एच. This is velocity along x-axis. Rebound होने के बाद यह particle vy dash से ऊपर जाएगा और vx dash से horizontal direction में travel करेगा. अब रिबाउंड होने के बाद बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हम एनालाइज करेंगे. रिबाउंड होने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स डैश वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई डैश वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी हमें पता है. अब वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा. प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस हमें ऑलरेडी पता है. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वी वाई डैश ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं. Sy is equal to uyt plus half ayt square. Sy की जगह जीरो, uy की जगह vy dash, e under root 2 gh into t minus half gt square. इधर से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है. Time of flight comes out to be 2e under root 2gh upon g. यह time of flight आ गया. जो equation लगी है कौन सी? Y axis के along velocity. Sy equal to half ayt square. Sy equal to uyt minus half ayt square. So displacement along y axis 0 is equal to initial velocity along y axis into time minus half gt square. एक time 0 आया, वो initial condition होएगा, और दूसरा time आ गया time of flight. अब हम कहेंगे range r is equal to vx dash into time of flight. vx dash constant velocity होएगी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज आर इज इक्वल टू वी एक्स डैश की जगह म्यू इंटू ई प्लस वन अंडर रूट टू जी एच. टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह टू ई इंटू अंडर रूट टू जी एच अपॉन जी. रेंज आर इज 2 अंडर रूट 2 4 4 e इंटू ई प्लस 1 इंटू म्यू इंटू जी कैंसल्ड h. दिस वुड बी द रेंज r ऑफ द पार्टिकल. वह पार्टिकल टकराने का इतनी दूरी पर गिरेगा. I won't call it a easy problem. मैं इसे easy problem तो नहीं कहूंगा, but this is a problem at Olympiad level, at JEE level, high class JEE level. इस तरह के problem यदि हमने करना सीख लिया, हम इस तरह के expressions खुद से obtain करके बताने लगे, we would be among top 10 or top 100. This is your ultimate level of problems. इसी के साथ यह चैप्टर और इसकी थ्योरी